चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन की सबसे बेहतरीन और मजबूत टीम नजर आ रही थी, लेकिन कोलकाता के खिलाफ चेन्नई की टीम बेहद आसानी से हार गई। हार भी ऐसी जो करीब ढाई ओवर पहले ही मिल गई, यानी आखिरी ओवर तक ही मैच नहीं गया। मगर इस मैच में बहुत कुछ हुआ। चेन्नई की पारी के दौरान खूब ड्रामा हुआ। चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और टीम का स्कोर ठीक ठाक चल रहा था। 15वें ओवर में अंबाती राय द्वा उठ हुए तो रविंद्र जडेजा को भेजा गया। इसके बाद भी रन रेट ठीक ठाक था क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। धोनी जबरदस्त खेल दिखा रहे थे और 17 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 146 रन था। 17 ओवर में धोनी ने 2 छक्के लगाकर इस ओवर में 15 रन बटोरे थे, यानी अब अगले 3 ओवर में 45 से 50 रन बनाने की पूरी उम्मीद थी और चेन्नई का स्कोर 190 के पार पहुंच जाता। लेकिन 18 ओवर में धोनी को बेहद कम स्ट्राइक मिली और जडेजा स्ट्राइक पर होकर डॉट बॉल खेलते रहे थे, यहां तक कि धोनी को स्ट्राइक दे पाने में भी नाकाम साबित हो रहे थे। वह तो जैसे ही धोनी को स्ट्राइक मिली तो उन्होंने छक्का मार दिया और इस ओवर में भी 12 रन बन गए। अब आया 19वां ओवर जहां तो हद ही हो गई। सुनील नारायण के इस ओवर में रविंद्र जडेजा रन ही नहीं बना पाए और न ही धोनी को स्ट्राइक दे पाए। इस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। वह तो आखिरी बॉल पर धोनी को स्ट्राइक मिली तो धोनी ने बड़ा शॉट मारने की बजाय एक रन लेना ही ठीक समझा और स्ट्राइक अपने पास रखी। धोनी भी जानते थे कि आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक देना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन चेन्नई के लिए 19वां ओवर बर्बाद हो चुका था। अब इसी दौरान डगआउट में बैठे ब्रावो बेहद नाराज दिख रहे थे। ब्रावो के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। ब्रावो जडेजा को पहले बैटिंग भेजने से पहले ही नाराज थे। ऊपर से रविंद्र जडेजा की इतनी गंदी बैटिंग देख कर ड्विन ब्रावो और ज्यादा भर गए। जब जडेजा आउट हुए तो मैदान पर आना था ड्विन ब्रावो को, लेकिन ब्रावो ने मैदान में बैटिंग के लिए जाने से इनकार कर दिया और अपने पैड खोलकर फेंक दिया। ब्रावो के साथ साथ सभी क्रिकेट फैंस जानते थे कि अगर रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दिया होता तो चेन्नई का स्कोर 190 के पार जरूर चला जाता और इस वजह से ब्रावो बेहद नाराज था। चेन्नई की टीम में इस फूट का फायदा विपक्षी टीम कोलकाता को मिला और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैच को बेहद आसानी से जीत लिया। अब जो भी हो धोनी को इन दोनों के साथ बैठकर मामला सुलझाना चाहिए ताकि उनकी टीम को आगे ऐसी मुश्किल का सामना न करना पड़े।